हाई एवरी वन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल वे टू लाइफ इट सोना। तो गाइस जस्ट अभी मैं ऑफिस आई हूँ और सुबह का टाइम हो रहा है 11:30 बजे और अभी कुछ भी काम नहीं किया है। बस अब काम की शुरुआत करूँगी, सबसे पहले पढ़ूंगी सारे मेल, उसके बाद देखूँगी सारी रिपोर्ट्स और जो भी चीज़ें रहती है। बस मॉर्निंग में मेरा यही रूटीन रहता है कि आकर ये सब चीज़ें देखनी रहती है, फिर दिन कब निकल जाता है वो मुझे पता ही नहीं चलता है। तो चलो अभी काम निपटा लेते हैं, फिर जो भी चीज़ें हैं आप लोगों के साथ में शेयर करते रहेंगे। गाइस मैं जा रही हूँ अभी जूस पीने के लिए और कुछ सामान भी खरीदना है तो वहाँ भी जा रही हूँ। और मैंने अभी इस लड़के को लगा दिया है काम पर आप देख सकते हो, मैंने बोला कि तुम करो थोड़ा सा काम, तब तक मैं आती हूँ। मुझे यहाँ थोड़ा अर्जेंट कुछ लाना है, क्योंकि किसी को लाकर देना है, दीदी को देना है मतलब, क्योंकि उनको जाना है शादी में। तो मैं सोच रही हूँ यार आज जाऊँ कल जाऊँ, जाना ही नहीं होता है, तो सोचा चलो अभी टाइम है तो। हाँ कहाँ एक्सीडेंट हो गया, किसने बोला तुमको एक्सीडेंट हो गया, क्या कह रहे हैं वो, ज्यादा लग गई तो सुरेश के फोन पे लग रहा है फोन उनसे, तो फटाफट एंट्री करो और फोन लगा पूछो कि कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है। तो गाइस अभी जस्ट पता चलता है कि हमारे स्टाफ मेंबर का एक्सीडेंट हो गया, तो चलो अभी देखते हैं क्या हुआ है क्या नहीं, सब चीज़ें पता चलेगी। आंसू कहाँ से आएंगे, नहीं आते ना, स्विस ब्यूटी तो कितना अच्छा है, अच्छा है ना, आप लगाते हो काजल, बहुत कम, कौन सा लगाते हो, हाँ आपकी शॉप है तो फिर तो बहुत सारा ब्रांड है, कोई भी लगा लो नहीं नहीं वो छोटी पैलेट, शॉपिंग तो मेरी हो गई है, तो चलो थोड़ा सा जूस वूस भी पी लिया जाए, क्योंकि एनर्जी भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। और ये जो भैया है ना जूस वाले, इनसे मैंने बोला कि भैया आप एक गाड़ी और बनवा दो, मैं भी लगाऊंगी आपकी जस्ट गाड़ी के सामने। तो मुझे बोलते हैं प्लीज़ दीदी मुझ पर एहसान करना, ऐसा मत करना, अगर आपने सामने ही गाड़ी लगा ली तो मेरा तो धंधा ही बंद हो जाएगा। मैंने बोला भैया मजाक कर रहे हो, कहाँ आप इतना टेंशन में आ गए, आप तो मस्त जूस बनाओ मेरे लिए और पिलाओ, क्योंकि आपका काम जो है वो आप ही कर सकते हो, मेरा काम है वो मैं ही कर सकती हूँ, इसलिए आप परेशान मत हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए बनवाया था मौसम्बी का जूस और विदाउट शुगर लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल मीठा पसंद नहीं है ज़्यादा। तो जूस पीने के बाद में फिर मैं जाऊँगी ऑफ़िस और मैंने क्या क्या लिया वो भी आपको दिखाऊँगी ऑफ़िस चलकर, अभी नहीं ऑफ़िस जाकर दिखाएंगे। सारा काम निपटा कर मैं आ चुकी हूँ ऑफ़िस और मैं क्या क्या लेकर आई वो तो वैसे आप लोगों ने देख लिया था, बट फिर भी बता देती हूँ। सबसे पहले बताती हूँ मेरी जॉब का आईलाइनर, यहाँ पर आप देख सकते हो कितना प्रॉपरली शेप में आईलाइनर लगा रखा है, बट मैं ऐसा इन फ्यूचर कभी नहीं लगा सकती, बट ऐसा भी नहीं कहते कि मुझे नहीं आता, आता है, मैं बहुत अच्छे से मेकअप कर लेती हूँ, लाइनर वगैरह भी लगा लेती हूँ। वैसे मैं काजल लगाती हूँ ना, उसकी ट्रिक तो बहुत अच्छी है, सब लोग मुझे बोलते हैं कि यार दीदी आपने काजल लगाना किससे सीखा, किससे, मैंने किससे नहीं सीखा, खुद से सीखा। और मैं कौन सा काजल लगाती हूँ वो भी मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, बट अभी मैं बता रही हूँ आपको लाइनर, तो ये मेरी जो कि प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं, मुझे अच्छे लगते हैं इसके, इसलिए मैं यूज़ करती रहती हूँ। दूसरी चीज़ है हमारी हाईलाइटर, तो ये मुझे पड़ा है 250 रुपीज़ में और काफ़ी अच्छे अच्छे शेड्स हैं और सारे शेड्स हैं इसमें, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। और लास्ट में आता है हमारा मोस्ट फेवरेट सीरम, जो कि है प्लम का, और मुझे प्लम के सारे सीरम बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने बहुत सारे सीरम यूज़ कर लिए हैं अभी तक प्लम के, नियासिनमाइड और जो जो भी जितने भी हैं, ये है हाइड्रेशन बूस्ट, मैं अलग अलग ट्राई करती रहती हूँ क्योंकि मुझे इनके सारे वेरिएंट पसंद है। और प्लम के तो यार आई लव प्लम मुझे काफ़ी बहुत ज़्यादा, मतलब आई थिंक अभी कुछ टाइम से मेरे बहुत फेवरेट हो चुके हैं। तो ये मुझे पड़ा है 450 में, ये मुझे पड़ा है 250 में, और मुझे लाइनर पड़ा है 200 में, मतलब सब मिलाकर होते हैं 900। तो 900 का चूना मुझे लग चुका है, तो कोई बात नहीं, मेकअप भी तो ज़रूरी ना, बिना मेकअप की तो हमारी दुनिया ही अधूरी है शायद लड़कियों के लिए। अब कुछ लड़कियाँ बोलेंगी हम तो मेकअप करते ही नहीं, कोई बात नहीं ना, नेचुरल ब्यूटी अगर बहुत अच्छी है तो मेकअप की नीड है ही नहीं ना, वैसे मेरी भी बहुत अच्छी है, बट थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो चलती है यार। और हाँ एक बात, और जाते टाइम मुझे पता चला कि सुरेश का एक्सीडेंट हो गया है,
तो वो घर जा रहा था ना, तब बाइक से गिर गया, तो उसको शायद चेहरे पर लगी और पता नहीं कहाँ पर लगी, देखा नहीं किसी ने। मैंने उसकी घर पे फ़ोन किया तो उसकी वाइफ ने उठाया तो बोला दीदी ये सोए हैं, ऐसा ऐसा हुआ है ये वो। तो अब पता चलेगा एक दो दिन के बाद। अभी तो मैंने वैसे बोला है कि तुम रेस्ट करो, ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सब मैनेज कर लेंगे, क्योंकि यार ऐसी कुछ चीज़ें हो जाए तो हम ऐसे में प्रेशराइज नहीं कर सकते ना, उनका ध्यान रखना ज़रूरी है, और अगर हम सीनियर है तो इन चीज़ों का ध्यान हमें ही रखना है। तो बस भगवान जी से प्रे करो कि वो जल्दी से ठीक हो जाए यार। मतलब कहते ना यार कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो सच में भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी मैंने सुना, तो वक्त का कोई भरोसा नहीं। इसलिए यार अपना ध्यान ज़रूर रखो। और चलो अभी मैं कर लेती हूँ काम, क्योंकि बहुत घुमागामी हो गया और मैं जूस भी पी रही हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे बहुत गर्मी यार बाहर, मुझे लगा था सुबह मौसम बहुत अच्छा था तो गर्मी नहीं होगी, तो मैं फेस कवर करके नहीं गई, फिर भी मेरी हालत ख़राब हो गई। तो चलो थोड़ा सा काम पर भी ध्यान दे दिया जाए, क्योंकि मैं बहुत बातें बनाती हूँ पता है। माँ रखिए। अच्छा, और आप किसके साथ आए? अच्छा, खाना खाया आपने? ओ भैया ये लड़का आज हमारी लेब पर आ गया, देखो ये ऊपर बैठेगा, शैतान खोपड़ी। हाँ बैठ जा, बैठ जा। Hi. कैसे हो आप सब लोग? बोल। मैं आज दीदी के यहाँ पर आया हूँ। बोल दीदी यहाँ हूँ। अच्छा, और शोरू ने चप्पल कहाँ खोल दी? वहाँ पे। ठीक है, बोल दे ओके गाइस बाय, सी यू। गधा। बाय बाय बाय, कल बात करेंगे। बोल दे कल बात करेंगे। ओके गाइस, अभी बेचारे मासूम से बच्चे को हम पहले पानी पिलाएंगे, इसके बाद छुई लगाएंगे। बेटा छुई कहाँ लगेगी आपको? यहाँ। आप रोओगे तो नहीं ना? पक्का प्रॉमिस? बोल दो सबको मैं नहीं रोऊंगा। बोलो मैं नहीं रोऊंगा। चलो डन, मतलब डन हो गया भैया, डन, डील डन हो चुकी है, हम बिल्कुल नहीं रोएंगे, हम तो बहुत ब्रेव बच्चे हैं ना। हाँ तो चलो अब आपको पानी पिला दें हम, ठीक है? अब पानी पी लो। मेरे प्यारे से बच्चे को अभी सुई लगेगी, मेरा मन नहीं कर रहा है बट फिर भी लगानी पड़ेगी, है ना शोरू? नहीं करता, बुरा लगता है ना बहुत, पर अब क्या करें, आपका हीमोग्लोबिन भी तो चेक करना है ना। हाँ लगाओ, आ जाओ, पक्का ओके। देखो तो
उधर देखो गधा देखे बहुत अच्छा बच्चा मिला। पहले नहीं रोया पता है, बहुत देर बाद मैं बेटा कितना शौक। हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो चले पानी पूरी खाएगा, चलो खिलाऊंगी पक्का खिलाऊंगी प्रॉमिस है ना। रुक जा दो मिनट रुक जा, अपना फोन बंद कर दे, रुक नहीं आ गई। चलो चलो मैं ले जाऊंगी, मैं बेटू को। जब भी कोई मदर आती थी तो मैं सोचती थी कि यार बच्चों को सिर्फ उन्हें एक सुई तो लगानी है, फिर भी इतना यार मतलब उनसे नहीं हो पाता था। आज पहली बार मुझे वो चीज़ रियलाइज हुई जब मैंने इसको, मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने इसको कभी सुई नहीं लगाई या कभी इंजेक्शन नहीं लगाया, सॉरी सुई इंजेक्शन नहीं लगाया। ये जब हुआ था ना न्यू बॉर्न बेबी, फर्स्ट टाइम मैंने ही इसको इंजेक्शन लगाया था, तब भी मुझे इतना बुरा नहीं लगा था। लेकिन आज ये 3 साल का हो गया, 3 सालों से जब भी बीमार होता है, इसका ब्लड टेस्ट होता है, इसको इंजेक्शन वगैरह सब कुछ होता है, वो सब कुछ मैं ही करती हूँ। लेकिन इन 3 सालों में पहली बार मुझे आज ऐसा लगा कि यार मुझसे नहीं हो रहा। मतलब ये जब रो रहा था तो इसको देखकर मेरी भी आँख भर आई थी, मुझे ऐसा लगा था कि यार बस रोना आ जाएगा रोना आ जाएगा। नहीं होता है गाइस, नहीं होता, बच्चों के साथ नहीं कर सकते ये सब चीज़ें। मतलब मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, कुछ शब्द नहीं निकल रहे हैं मेरे मुँह से, बहुत अजीब लगता है ना मेरे बेटा। और मेरा बेटा बहुत ज़्यादा मतलब ब्रेव है, मैंने बोला था आवाज़ नहीं आनी चाहिए, रोएगा नहीं, रोया लेकिन बिल्कुल मुँह से आवाज़ नहीं निकाला मेरा बच्चा। ओ वो देखो, सॉरी बेटा मैंने आपको चोरी लगाई, सॉरी माफ़ कर देना दीदी को है ना, कर दोगे पहले बोलो। हाँ दीदी बोल दो, दीदी आपको माफ़ कर दूंगा बोलो हंस दे, अच्छा मैं समझ जाऊंगी कि तूने मुझे माफ किया, हंस दे मेरा बेटा। आइसक्रीम खाएगा, आइसक्रीम खाएगा ना, मैंने मंगाई आपके लिए, ठीक है। आइसक्रीम आ गई है शोरू की, तो भैया यहाँ पर आइसक्रीम लेकर आए, कौन सी लेके आया, निकाल निकाल। ओ वाओ ये वाली आइसक्रीम, ये लो आपकी। हाँ ये भी लाए ना मामा, ये भी लाए ना आपके लिए, चम्मच दियोगे ना उन्होंने। ओ वाओ इतनी शॉली खाएंगे ऊपर है ना ने? और आप अभी कैसे रोए थे? अच्छी ओ भैया आपको सब कुछ आता है।